अगर आदाब अभिनंदन आभार नमस्ते दोस्तों, मैं सतीश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल माई कोल्हापुर चप्पल्स में। दोस्तों, आप कोल्हापुर चप्पल्स खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि कोल्हापुर चप्पल्स काफी महंगे होते हैं। इन्हीं कोल्हापुर चप्पल में से एक खास काफी कोल्हापुर चप्पल, आप खाली दोस्तों पट्टे का काम देखिए तो खुद समझ जाएंगे कि आखिर ये चप्पल इतनी महंगी क्यों होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि कोल्हापुर चप्पल से रिलेटेड मैं आपकी वीडियो लाता रहता हूं। चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाता हूं कि एक खास काफी कोल्हापुर चप्पल का पट्टे का काम कैसे किया जाता है। दोस्तों, ये टैनिंग किया हुआ बकरे का चमड़ा है। अगर अभी तक आपने बकरे के चमड़े का टैनिंग प्रोसेस कैसे करते हैं नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब इस चमड़े को हम कोल्हापुर चप्पल में कैसे और कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो सब इस वीडियो में आप देखेंगे। इस तरह मार्किंग करते हैं और फिर इसके साइज़ के छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं। पहले खुरपी से ऐसे चमड़े को खींचा जाता है और रापी से चमड़े के अंदर के हिस्से का सारा मांस ऐसे छिलनी करके निकाल देते हैं। सारा मांस निकालने के बाद अब ये चमड़ा कागज़ की तरह एकदम पतला बन गया है। दोस्तों, उबले हुए चावल को एक कपड़े में डाल देते हैं और इस तरह चमड़े के ऊपर लगाया जाता है और फिर दोनों चमड़ों को सही से चिपकाते हैं और उसके ऊपर हस्ती से प्रेस करते हैं। दोस्तों, ये उबले हुए चावल टेम्परेरी चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि काम होने के बाद इसे वापस निकाल सके। ठीक है, इसे ये और दो पीस चमड़े के टुकड़े इसके ऊपर चिपकाते हैं। सभी चिपकाने के बाद फिर इनके ऊपर हस्ती से हल्के से प्रेस करते हैं। ऐसे हाथों से अंदाज से मार्किंग करके इन्हें दो हिस्से में डिवाइड किया जाता है। अब नीचे के हिस्से में छोटी वेनी निकाली जाएगी। सभी मार्किंग के बाद पहले बॉर्डर का अतिरिक्त हिस्सा निकाल देते हैं और एक लेवल करते हैं। फिर चमड़े के ऊपर एक लोहे की पट्टी रखते हैं और रापी के सहारे ऐसे एकदम धागे की तरह चमड़े के छोटे छोटे हिस्से कट करते हैं। एक एक करके ऐसे धागे की तरह इसकी कटिंग की जाती है। दोस्तों, यह काम बहुत ही जिम्मेदारी का होता है, अगर एक भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाए।
और निचला हिस्सा उसके अंदर डाल देते हैं। इस तरह मुंगानी बनाते हैं। फिर दो भिंगरियाँ लेते हैं और ठीक पट्टे के बीच में इस तरह पकड़कर उस बार एक कारागिर के हाथों से यह एक पट्टा गुजरता है। ये कारागिर सिर्फ ऐसे पट्टे तैयार करने का ही काम करते हैं। सोल बनाने वाले इनसे ये पट्टे खरीद कर लेकर जाते हैं और चप्पल पर फिटिंग करते हैं। दोस्तों अभी पट्टा बनकर एकदम तैयार है। इस तरह सोल के ऊपर इसकी फिटिंग की जाती है। दोस्तों इस पट्टे को खास कापसी नाम से जाना जाता है। इस कला के कलाकार है मिस्टर अशोक चौहान जी और इनकी मिसेस शकुंतला चौहान जी। दोस्तों मुझे यह हाथ बिनी का काम बहुत पसंद आया। आपको यह कला कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। रही इन पट्टों के प्राइस के बारे में बता दूं तो दोस्तों यह एक जोड़ी पट्टा बिकता है 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कोल्हापुरी चप्पल से रिलेटेड मैं यहाँ पे वीडियोस लाता रहता हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय कोरोना।